आएँ देखिए इसमें अकाउंटिंग क्वालिटी एनालिसिस देखते हैं यानी जिस को चीज़ को आपने ऑडिट करना है उसका थोड़ा सा अनालिस करते हैं आइडेंटिफाई पोटेंशियल रेड फ्लैग्स ऑडिटर का ये काम है कि देखे कि कहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं यानी कहाँ पर जो है ना सीरियस मिस्टेक्स हैं या अकॉर्डिंग टू द लॉ है नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है चीज़ें उनको निकालें क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग क्वालिटी एनालिसिस एग्जामिन द फॉलोइंग आइटम्स बिहेवियर ऑफ द रेड फ्लैग्स अब ये रेड फ्लैग्स हैं क्या अनएक्सप्लेन चेंजेस इन अकाउंटिंग स्पेशली वैन परफॉर्मेंस इज पुअर ड्रेस अप दाइनेंशियल स्टेट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन आपने उसको अच्छा किया है बनाया है तो वो भी रेड फ्लैग में आ जाएगा एंड इनक्रीज इन गैप बिटवीन ए फॉर्म रिपोर्टेड इनकम एंड इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखिये आप इनकम तो दिखा रहे हैं लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है उसमें कैश आपको उस हिसाब से नहीं नज़र आ रहा तो दैट इज़ अगेन अ सीरियस थिंग एन इंक्रीज इन गैप बिटवीन बिटवीनफॉर्म रिपोर्टेड इनकम एंड टैक्सेबल इनकम देखिए इनकम जो रिपोर्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि वही टैक्सेबल होगी नहीं टैक्सेबल इनकम के लिए हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बाद में पता चलता है कि टैक्सेबल इनकम और रिपोर्टेड इनकम में बहुत फ़र्क है तो ये भी एक सीरियस इश्यू है ए टेंसी ऑफ यूज मेकनिज्म पार्टनरशिप एंड सेल सो मैनी थिंग देखें आप रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में ये है कि आप इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे उस साल के प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे स्टैंडर्डाइज लेकिन आप समझते हैं कि अगर हमने इस साल पूरे का पूरा चार्ज कर दिया एक्सपेंस में तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ट्रैक्टर्स को जो अगर बोनस वगैरह होगा वो नहीं मिलेगा तो आप क्या करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हालांकि गलत है ओनली डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी कैरी फॉरवर्ड नॉट द रिसर्च एक्सपेंडिचर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देते हैं इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाते हैं अनएक्सपेक्टेड लार्ज एसेट्स राइट ऑफ यानी आप समझते हैं कि हमारी कंपनी कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही तो एक बुरे साल में यानी जिस साल आपके अकाउंट्स अच्छे नहीं बन रहे हैं या प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो आप पिछले तमाम जो बुरी चीज़ें हैं यानी बैड डेट्स हैं राइट्स ऑफ हैं सारे उसमें डाल देते हैं ताकि आपकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाए और आइंदा के लिए एहतियात हो जाए तो ये भी देखें कि जी आपने जो अब पहले क्यों नहीं किया अब क्यों कर रहे हैं आप इतनी बड़े राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं क्यों कम कर रहे हैं अपने एसेट्स को लार्ज फोर्थ ईयर क्वार्टर एडजस्टमेंट नॉर्मली होता ये है अब तो चूंकि ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हैं कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो पहले तीन क्वार्टर्स की रिपोर्ट आपके सामने है तो ये नहीं पॉसिबल कि फोर्थ क्वार्टर में आकर आपका फिफ्टी परसेंट रेवन्यू बढ़ जाए नो वे इट कैन बी वन फोर्थ मे बी लिटल मोर लिटल लेस लेकिन फोर्थ क्वार्टर में आकर आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो अकाउंट्स हैं वो बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं ये कैसे इसलिए कि आप फोर्थ क्वार्टर में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स डाल दो टू मैनी एडजस्टमेंट एक्चुअली अकाउंट्स जो हैं वो तो कंप्यूटराइज हैं आज के दौर में तमाम कंपनियों के कंप्यूटराइज हैं तो वो तो देर एंड देन बने होते हैं क्योंकि देखिए होता ही आ है कि जो ही आपने एक एंट्री डाली है कंप्यूटर में वो सारी जगह अपडेट कर देता है और बैलेंस शीट तक अप्रूव कर देता है तो इसका मतलब ये है कि अगर थर्टी फर्स्ट दिसंबर को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है तो आपकी बैलेंस शीट तो तैयार है लेकिन आप क्यों दो महीने वेट करते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए इसलिए कि आप उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट डालना शुरू करते हैं और उस एडजस्टमेंट्स में नंबर्स आप देखते हैं कि क्या कौन सी एडजस्टमेंट डालें कौन सी ना डालें देखिए अगर आपने सेल्स बढ़ानी है फोर्थ क्वार्टर में और आपका प्रॉफिट कम आ रहा है फर्ज करें तो आप क्या करते हैं कि एक ऑर्डर मंगवाते हैं कि जी हमें सेल्स हमें ऑर्डर बुक करवाते हैं मतलब कस्टमर से कहते हैं कि हमें एक ऑर्डर भेज दें और उस ऑर्डर को बुक कर लेते हैं हालांकि चीज़ें भी गई भी नहीं है लेकिन आप रिसीवल बुक करके सेल्स को करेक्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेस बढ़ जाएंगे और उधर तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये जो है ना फोर्थ क्वार्टर के एंड पर इस तरह की एडजस्टमेंट डालने से आप प्रॉफिट को बढ़ा रहे होते हैं या घटा भी रहे होते हैं समय होता है कि डेप्रिसिएशन में कोई चेंज कर लेते हैं हालांकि ये अलाव नहीं फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ये अलाव नहीं है लेकिन ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि कहीं ऐसा तो नहीं किया गया कहीं पर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन और चेंज इन ऑडिटर आर नॉट जस्टिफाइड देखिए अगर किसी ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उठाकर चेंज कर दें चेंज करने का भी प्रोसीजर है उसके बगैर अच्छा फर्स्ट करें आप इसको चेंज करेंगे तो कोई और दूसरा हायर करेंगे ना अब जब आप दूसरे के पास जाएंगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कहेगा जी आप मुझे वो जो पिछला ऑडिटर है उसके उससे नेगोशिएट उसको बताएगा कि मुझे इसने अप्रोच किया है आप मुझे बताएं कि आपको क्यों निकाला या आपने क्यों छोड़ा तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगा ना पिछला ऑडिटर अगला ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऑडिटर तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप अनजस्टिफाइड ना वैसे ही ना ऑडिटर को छुट्टी करवा दें पॉसिबल ही नहीं है रीएक्ट करवा लें तीन साल के लिए तो आपको करना पड़ता है नहीं तीन साल के बाद आप बदल सकते हैं क्यों लॉ अगेन है कि ये एक ऑडिटर जो है ना किसी कंपनी का तीन साल तक रखे तीन साल के बाद कोई और ऑडिटर रखे क्योंकि देखें ना यूज हो जाते हैं कुछ रिलेशन बन जाते हैं ऑडिटर्स के और मैनेजमेंट के तो वो ये भी नहीं चाहते और फिर इसमें एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड एक्टिविटीज ये भी एक बड़ा मसला है रिलेटेड पार्टी ये इसको पूरा स्टैंडर्ड है कि आप एज एन ऑडिटर आपका कोई रिलेशन इस कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए किसी किस्म का आपका या आपकी फैमिली में से किसी का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए दैट इज़ वॉट इंपॉर्टेंट इज कि आपने कोई उनसे अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया हुआ है तो ये ज़रूरी है कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस ऑडिटर और आपके कंपनी के साथ नहीं होनी चाहिए अगर हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट होगी बल्कि क्वालिफाइड रिपोर्ट बन जाएगी थैंक यू वेरी मच